हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप अपना YouTube चैनल का नाम चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपना YouTube चैनल का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना अगर YouTube चैनल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए अपना मोबाइल की स्क्रीन पर। मेरे पास तो डेस्कटॉप है, तो मैं अपना डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ। आप मोबाइल के स्क्रीन में जाके क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों, आप अपना ये चैनल खोल लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपना चैनल खोल चुका हूँ, तो अपना यूट्यूब में आ गया हूँ दोस्तों। यूट्यूब में आने के बाद दोस्तों, आप अपना योर चैनल पर क्लिक कीजिएगा। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, कस्टोमाइज चैनल पे क्लिक कीजिएगा। कस्टोमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद देखिए दोस्तों, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ दोस्तों। देखिए, ओनली फनी नाम चेंज करके यहाँ से लिख दिया हूँ, ओनली फनी YT7। यहाँ पे पहले कार्टून लिखा था दोस्तों, तो कार्टून का नाम चेंज करके मैं ओनली फनी लिखा हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिखने के लिए दोस्तों, आप अपना डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिए कि आप अपना डिस्क्रिप्शन में नाम दिए तो नहीं है दोस्तों, तो अपना डिस्क्रिप्शन में भी नाम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अपना यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐड लैंग्वेज कर सकते हैं दोस्तों अपने यहाँ से। तो मैं यहाँ से लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी रख देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी है, यहाँ पे सिलेक्ट है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे आप अपना ऐड लिंक कर सकते हैं। अपना अगर सोशल मीडिया का अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे नाम लिखिएगा, जैसे कि इंस्टाग्राम का ऐड यहाँ पे लोग वो ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख कर यहाँ पे उसका URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे अपना ईमेल ID ऐड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पब्लिश का आप यहाँ पब्लिश कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा तो अपना यूट्यूब का नेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, मेन सेटिंग आपको बताता हूँ। ये सेटिंग कोई नहीं बताया होगा दोस्तों, ज़्यादातर कोई नहीं बताता है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखिए आप ना लिखे होंगे तो यहाँ पे सारा आपका नाम कीवर्ड्स आ जाएगा दोस्तों, जो अपना चैनल का कीवर्ड्स लगाए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे भी अपना चैनल का नाम चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो नाम चेंज करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो भी हम चैनल का नाम रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। और एक और बात बताते हैं दोस्तों आपको, और अपना अगर YouTube का नाम चेंज करोगे दोस्तों, नाम चेंज करने से पहले आपको दोस्तों एक काम करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों ज़्यादातर यूट्यूबर नहीं बताते हैं दोस्तों। आप जहाँ मर्जी यूट्यूब पे सर्च मार लीजिएगा, ज़्यादातर नहीं बताते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों। आप अपना चैनल के नाम के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपना चैनल के नाम के हिसाब से दोस्तों लिख लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के हिसाब से लिख लिया हूँ। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा नाम ऐड कर सकते हैं, आपका मर्जी है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप अपना सेटिंग वगैरह सब देख लीजिएगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं है दोस्तों, तो मेरा सही है दोस्तों। यहाँ पे भी देख लीजिएगा अपने, यहाँ देखिए टाइटल में अगर आप लगाए होंगे तो टाइटल में भी आप अपना नाम चेंज करना कर सकते हैं दोस्तों। अब अपने टाइटल में भी नेम चेंज कर लीजिएगा, ओनली फनी YT7।
दोस्तों मैं अपने यहाँ पे भी नाम चेंज कर लिया हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टैक्स में भी थोड़ा चेंजेस करना है दोस्तों। यहाँ पे कट कीजिएगा तो सारा कट हो जाएगा दोस्तों, और फिर यहाँ दोबारा से आप अपने यहाँ पे टैग लगा सकते हैं। तो मैं लगा देता हूँ दोस्तों 47 फनी वीडियो गलती हो गई दोस्तों, फनी वीडियो दोस्तों, बोलने में मिस्टेक होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ चेक कर लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद चेक करके सेव कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मेरा सारा लगभग ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद सेव करके दोस्तों, अब आपका नाम चेंज हो गया दोस्तों। और नाम चेंज करने के बाद दोस्तों आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। नाम चेंज करने के बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपना यूट्यूब, सिंपल यूट्यूब में लॉगिन करना है, सिंपल दोस्तों अपना यूट्यूब में आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे देखिए आप अपना यहाँ पे अगर वो लगाए होंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर दोस्तों आप बैनर लगाए होंगे तो अब दोस्तों बैनर को चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे बैनर को रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए रिमूव कर दिया, और रिमूव करके दोस्तों आप अपना दूसरा बैनर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला मैं लोगो रहने देता हूँ, क्योंकि मेरा लोगो मैं बाद में चेंज करूँगा दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे पब्लिश पे करना है क्लिक। और दोस्तों मैं आपको बताया था कि लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपना यूट्यूब का नाम चेंज करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप जो भी आप अपना यूट्यूब का नाम लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपना यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च किया था ओनली फनी YT7। उसके बाद फिल्टर पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर चैनल पे क्लिक कीजिएगा। तो इस नाम से जितना भी चैनल मिलता जुलता है वो आ जाएगा। और आपको चेक करना है कि आपका नाम के जैसा और भी कोई चैनल तो नहीं है दोस्तों। तो मेरा नाम के जैसा एक चैनल है, तो वो उतना खास नहीं है, ये पुराना चैनल है, इस पे लोग एक्टिव नहीं हैं। तो इसलिए मैं अपना नाम यहाँ पे देखिए YT ओनली फनी YT7 लिख दिया हूँ, और नाम मिलता जुलता नहीं है दोस्तों। इसीलिए आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए चैनल का, नहीं तो आपको फिर दिक्कत पड़ सकता है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में यही था। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। चलिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।